गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई मामू, विराज की सुबह हो गई है और सुबह सुबह इन्होंने ये दाना पकड़ लिया है। ये दरअसल उत्तराखंड की दाल है और इसको भट बोलते हैं और इसको सोयाबीन भी कहते हैं। तो ये दाल है, हमने इसको धूप में रखा था तो विराज ने पकड़ दिया, अब इसके साथ खेल रहा है। विराज भट बोलो, भट भट भट, वो भप बोल दे रहा है। भट कौन सी दाल है ये? अच्छा, और विराज को अच्छी लगती है, विराज को, विराज खाता है और विराज बोलता है दाना भात, है ना? दाना भात खाते हो ना आप? दाना भात खाते हो आप? चलो फिर धूप में रख दो इसको, थोड़ी देर सुखा देते हैं, सुखा देते हैं, बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया दाना भात बनेगा फिर। चलो चलो सुखाने के लिए रख देते बाबू, धूप में रख देते हैं। क्यों ऐसे पकड़े रखोगे इसको? अच्छा विराज ने दालें गिरा के खूब उधम मचा दिया है और अभी अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। यहाँ पर एक टोकरी इसने बना ली अपनी और सारे खिलौने इसमें रखता है और फिर जब सारे खिलौने पेन है ना ये, और सारे खिलौने जब निकाल देता तो फिर इस टोकरी में ही बैठ जाते हैं। पेंसिल पेंसिल, वाह पेंसिल, ढक्कन ढक्कन है ना। इन सारी एक्टिविटीज से फ़ायदा होता है कि विराज को नए नए शब्द बोलने का मौका मिलता है, नए नए शब्द विराज सीखता है और बहुत सारे शब्द तो इसने इसी तरह से बोलते हुए सीखे हैं या इसी तरह से एक्टिविटीज़ करते हुए सीखे हैं। ऑरेंज पेंसिल, वाह वेरी नाइस, ऑरेंज पेंसिल, रेड और ब्लू, वेरी गुड। येलो किधर है? येलो येलो दत्ती फैलो कहाँ है? येलो दिखाओ, देखो आपके हाथ में येलो पेंसिल, ब्लू येलो, यस ये येलो पेंसिल, वेरी गुड। अभी विराज एक नया गेम खेल रहा है और ये इसका बलून है, ये पहले स्विमिंग के लिए जाता था तो वहाँ एक बलून यूज करता था, अभी बहुत टाइम से बलून यूज नहीं किया है तो विराज को इसकी स्टार फिश अच्छी लग रही है। अभी ये आ रहे हैं स्टार फिश ढूंढने के लिए, इसमें स्टार फिश कहाँ बता दो। और विराज जो आपने लोअर पहना है ना उसका कलर और इसका कलर एक ही जैसा, देखो, अरे वाह ये है स्टार फिश। इसमें से कौन से कलर की स्टार फिश आपको अच्छी लग रही है? ये अच्छी लग रही है। अच्छा बाबू ये बता दो येलो कलर कहाँ पे है? येलो येलो कलर, ये तो ग्रीन है, ग्रीन, येलो कहाँ पे है? ये तो ग्रीन कलर है बाबू, येलो कलर कहाँ है? येलो बता दो, येलो कलर कहाँ है? नहीं बताओगे क्यों यार? बता दो, ये आपको अच्छा लगता है? हैं ये अच्छा लगता है आपको? इससे क्या करते थे पहले आप? मस्ती करते थे इसमें? अरे बाप रे, याद है आपको? आप तो बहुत छोटे थे तब। अब कौन सी स्टार फिश आपको बहुत अच्छी लग रही है इसमें? ये वाली। अब आप ना जब बीच में जाओगे तो आपके लिए यही वाली स्टार फिश ढूंढेंगे, ठीक है? ठीक है बोल दो। हाँ अरे वहाँ बिग कार भी आ गई इसमें, रेसिंग कार, रेसिंग कार भी आ गई ना, जेसीबी, जेसीबी भी आ गई भाई। ये फेवरेट कार भी आ गई, छोटी कार, सारी कार चलेगी बॉक्सिंग। यस और एक और आ गई, एक और कार आ गई, रेसिंग कार, ये भी रेसिंग कार है ना। एक और जेसीबी, एक जेसीबी कहाँ गई यार? बीच लेके गए थे ना आप उसको, वो जेसीबी कहाँ गई यार? ढूंढो ढूंढो उसको। इन्होंने अपने सारे खिलौने ऐसे फेंके हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक पूरे इनके खिलौनों का साम्राज्य है इधर। अब ढूंढो बाबू, इसी में कहीं होगा वो, देखो हाथी दादा, ये रैबिट, सब लोग ऐसे सोए हुए हैं इधर। चलो देख के आओ, अरे वाह मिल गई जेसीबी, कहाँ मिली बाबू ये?
कहाँ मिली विराज, जेसीबी कहाँ मिली? अरे एक और टॉय कार मिल गई है। ये विराज का सामान इस तरह से फैले रहता है यहाँ पर। इस सामान को चाहे कितना ही ठीक करो, कहीं भी रखो, शाम को ये सब सामान ऐसे फैला हुआ। बाबू उसको भी रख दो, इनको क्यों नहीं रख रहे हो? ये भी तो अच्छे खिलौने हैं आपके। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी फिट आ गए हैं, इनके भालू दादा हैं। ये वाली डॉल भी रख दो बाबू। हाँ इसको भी रख दो, ये वो कॉर्नर फिट आ जाएगा। वेरी गुड, अब सब सामान विराज ने इसमें रख दिया है। अब ये टोकरी फुल हो गई। अरे बाप रे, टोकरी पकड़ दिया हमने। अब ये टोकरी लेके जाएंगे, अब जहाँ जाएंगे। अरे ये कलर की तो पहले में दूसरे डब्बे में बाबू, वो दूसरा वाला बॉक्स जो है आपका, वो लेके आओ, इसमें आ जाएगा। ये तो कार का बॉक्स हो गया। अब एक आप कलर्स का बॉक्स बनाओ आप, ठीक है? उसमें सारे कलर रखेंगे, ठीक है? करें ऐसा मिराज। अभी इनके कलर फैले हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि कलर्स का क्या करें। बाबू नहीं नहीं, नीचे नहीं लगाते, फर्श में नहीं लगाते, देखो उसमें लगाते हैं, पेपर में लगाते हैं कलर। नो नो, ऑरेंज कलर, वेरी गुड। हाँ इस पेपर में लगा दो बाबू ऑरेंज कलर, देखो पेपर में लगा के कैसा लगता है ऑरेंज कलर। येलो कलर लगा दो फिर, कलर भी इनके भाग जा रहे हैं यहाँ से वहाँ। ये कौन सा कलर है? कौन सा ग्रीन है? ये ट्री बना दो ग्रीन से। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ पे नहीं बाबू, वहाँ पे नहीं, कागज में बना दो, पेपर में, पेपर में वहाँ नहीं बनाते। पर्स में लिखने लग गए। नो नो नो, पेपर पेपर बोल रहा है मुझ में लिखो, पेपर आपको बोल रहा है मुझ में लिखो। हाँ वेरी गुड, गुड बॉय, ये तो पेपर में लिखता है, गुड बॉय। हाँ क्या बनाया विराज, ये क्या बनाया, क्या बनाया? अब पता नहीं, ये तो विराज जी को, विराज जी समझेगी क्या बोल रहा है। प्लांट बना दो बाबू, एक प्लांट, प्लांट बना दो एक। ये क्या बना विराज? प्लांट बन गया ये, वेरी गुड। अब एक पांडा बना दो। अरे बाप रे, पांडा ऐसे बनता है? ये बना दिया पांडा। ये पांडा बना दिया। ये पांडा अगर यहाँ से बाहर आ जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? वो उधर चले जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसे तो ये भाग जाएगी अगर ऐसे ऐसे फेंकोगे तो। ऐसे फेंकोगे भाग नहीं जाएगी, स्केच पेन चली जाएगी ना ऐसे फेंकोगे तो। ये यहाँ पे आ गई बाबू ये। हाँ चलो और बना दो। फिर आज ने तीन चीज़ें बना दी अपने पेपर में, और क्या बनाई है तो उनको ही पता है। अच्छा एक काम करो, आप इनको ना सबको इसमें रख दो बाबू, फिर आपके निकालने में भी आसानी रहेगी। सब कुछ में रख दो ये ऐसे, वेरी गुड, ये तो गुड बॉय है। शाबाश, ये भी रख दो। हाँ इसको अलग से रखेंगे बाबू। अच्छा इसको भी इसमें डाल दे, तो डाल दो सारी स्केच पेन इसमें रख दो, ठीक है? फिर जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको तुरंत मिल जाएंगी इसमें। वेरी गुड, गुड बॉय। अब विराज सब कुछ इसी में रख दे, ढक्कन भी इसमें रख दे बाबू, ये तो आएगा ही नहीं इसमें। वो देखो सामने और है, उधर है एक पेन पेंसिल। अच्छा इसके अंदर गई, इला में निकाल देता हूँ। ये आ गई, वेरी गुड। हाँ ये डक भी यहीं जाएगी, फिर सुबह कैसे ढूंढोगे नहाई करते समय? इसकी मम्मा भी, इसकी मम्मा कहाँ फिट आएगी बाबू इसमें? इसकी मम्मा को बाहर ही रहने दो ना, इसकी मम्मा फिट ही नहीं आएगी उसमें, अंदर नहीं आएगी। आ जाएगी, करो फिट, करो फिट, करो, आ जाएगी। बस ऐसे रख दो फिर इसको, इसकी मम्मा को यहीं रख दो, ये सारी आपके पेंस की रखवाली करेगी ये, है ना? अब फिर कैसे रखोगे फिर? हाँ इनको रख दो बाबू, इन सब को रख दो। और भी हैं देखो, ये यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, सारे हैं।
रख दिया सब कुछ। विराज काफ़ी देर से मस्ती कर रहा था, अब अपना सामान समेटने लग गया है। इन्होंने अपने सारे पेंसिल इसमें रख दिए और अरे वाह ढक्कन भी इन्होंने लगा दिया है। अब ये रात का वक्त हो गया है, इनको डिनर कराते हैं और फिर इनकी निन्ना कराएंगे। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं विराज जोशी ब्लॉग्स को, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरी वन, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय। विराज बाय कर दो बाबू, डब्बा लगाने में इतना बिजी है कि उसको ध्यान नहीं आ रहा। बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। ढक्कन है बाबू उसके नीचे, ढक्कन निकलेगा तब लग जाएगा। ये बाय बाय बोल दो बाबू, बोल दो बाय ना। विराज इतना बिजी है आज, बाय बोलने का मूड में ही नहीं है।